Hello everyone, so this is your next poem, Still Falls the Rain by Edie Sitwell. I hope you have gone through the introduction. I have already made an audio about Edie Sitwell, who is a war poetess and a very prominent writer of 20th century poetry. And as I have already told you, features of modern poetry, and war poetry is one feature of 20th century poetry. ठीक है? Still Falls the Rain, written by Edie Sitwell. So before we start reading this poem, I would like to give a few details about this poem. First of all, this poem is considered as a war poetry. ठीक है, war poetry, war मतलब युद्ध के समय जो लिखी जाती हैं. इस poem का background जो है वो Second World War है. ठीक है, Second World War, द्वितीय विश्व युद्ध, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में. ठीक है, 1945 में हुआ था. ठीक है, तो इस poem का background जो है वो है कि जब जर्मनी ने इंग्लैंड पर बॉम्बार्ड किया था, है ना, जर्मनी ने इंग्लैंड पर बहुत ज़्यादा बमबारी की थी, तब उस समय उसकी स्थिति क्या थी, है ना, क्या वहाँ पर किस तरह की त्रासदी फैल गई थी, किस तरह लोग सफ़र कर रहे थे, किस तरह से ना हर चीज़ बहुत यू नो ख़त्म होने की कगार पे थी. तो एडी सिटवेल की इस पोएम का जो यू नो थीम है वो वॉर है, युद्ध है. और इस पोएम में हर जगह आप देखेंगे कि बहुत इमोशनल ओवरटोन्स भी होंगे, मतलब आपको लगेगा कि अरे युद्ध ने कितना ज़्यादा त्रासदी मचा दी है संसार में, है ना. और भी कई फीचर्स हैं जो एक पोइट फॉलो करता है अपनी पोएम लिखते टाइम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऑलवेज थिंक दैट सी दैट दिस इज एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब बहुत ही यू नो कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग है. स्टिल फॉल्स द रेन मतलब कहाँ पर रेन हो रही है ना, हमें नहीं पता. उसने एकदम से ओपनिंग की अपनी पोएम की कैसे, स्टिल फॉल्स द रेन, कौन सी रेन कहाँ पर हो रही है ना, एम्बिगुअस है बहुत, है ना, कन्फ्यूजिंग है. सॉम्बर मतलब बहुत सीरियस नोट पे शुरू हो रही है पोएम, जैसे कि हम देख सकते हैं. स्टिल फॉल्स द रेन. एंड वन मोर थिंग, दिस होल पोएम कंटेन्स बिब्लिकल एल्यूजन्स. बिब्लिकल मतलब बाइबल से लिए गए कुछ रेफरेंसेज इस पोएम में होंगे, बिकॉज शी इज़ क्रिश्चियन, है ना. जो एडी सिटवेल है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, शी इज़ क्रिश्चियन. तो उन्होंने अपनी इस पोएम में किस तरह के वो दिए हैं रेफरेंसेज, बिब्लिकल एल्यूजन्स मतलब बाइबल के कुछ रेफरेंसेज उन्होंने यूज़ किए हैं, जो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी. 34 लाइन्स डिवाइडेड इंटू 7 स्टैंजाज. पूरी की पूरी पोएम हमारी 34 लाइन्स की हैं, जो कि 7 स्टैंजाज में डिवाइडेड है. टाइटल इट्सेल्फ रिपीटेड 6 टाइम थ्रू आउट द पोएम. और जो टाइटल है, शीर्षक जो है पोएम का, वो पूरी पोएम में 6 बार रिपीट किया गया है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें नोटिस करना, मैं आपको उसे बताती हूँ. स्टिल फॉल्स द रेन, अभी तक रेन हो रही है, बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल रेन. ठीक है, ये पानी वाली बारिश नहीं है, ये है बमबारी वाली बारिश. ठीक है, बम लगातार वो हो रहे हैं, जर्मनी ने लगातार बमबारी शुरू कर दी है, किस पर, इंग्लैंड पर, और वो पूरी तरह से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ त्राहिमाम मच चुका है पूरे ब्रिटेन में, है ना, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है. हर जगह सफरिंग, हर जगह दुख, हर जगह सब कुछ ग्रीफ, जो कहते हैं ना, आप सभी को पता होगा युद्ध की स्थिति बहुत बुरी होती है ना. तो वो यही बता रही है कि किस तरह से पूरा जो ब्रिटेन है वो किस तरह से सफरिंग से, दुख से गुजर रहा है. Still falls the rain, dark as the world of man, है ना, world संसार, man मतलब आदमी, dark मतलब अंधकार, आदमी का संसार पूरा कैसा हो गया, अंधकारमयी, black as our loss, है ना, और कैसा हो गया, black, काला हो चुका है एकदम, as our loss, जैसे कि हमें, हमने ये सब कुछ खो दिया है ना. सही बात है कि जब बमबारी होगी, जब युद्ध होगा, कैसा हो जाएगा इंसान का संसार, बिल्कुल अंधकारमयी और बिल्कुल ब्लैक, काला हो जाएगा. ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स, है ना, 1940, यहाँ पे वो रेफरेंस दे रही है एक समय का, क्योंकि ये पोएम उसी के आसपास लिखी गई है. तो ब्लाइंड एज द 1940 नेल्स अपॉन द क्रॉस.